कंप्यूटर बेरोजगार संघ के तले बेसिकली हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार से हैं। हमारी पहली मांग है कंप्यूटर टीचर की भर्तियों से संबंधित, जिसके लिए कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2013 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती का वादा किया गया था। इसके बाद हम कई बार शिक्षा मंत्री जी से मिले, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया और वो इसके लिए बिल्कुल भी इच्छित नजर नहीं आए। दूसरी हमारी जो मांग है वो है प्रोग्रामर्स की भर्ती, जो कि अभी तक पेंडिंग है। 2013 के बाद में प्रोग्रामर की भर्ती नहीं की गई। पिछले 5 साल के अंदर केवल सूचना से है कि 1302 भर्तियां निकाली गई हैं, जबकि अभी भी कम से कम 4000 पोस्ट खाली हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो बची हुई पोस्ट हैं उनको भी इन्हीं भर्ती में ऐड कर दिया जाए, जिससे कि बेरोजगारों का ना तो फॉर्म का खर्चा लगे, ना ही उनका कहीं रुकने का पैसा और जो खर्च होना है वो नहीं हो। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर भर्तियां होनी है, जैसे DLB के अंदर IA की भर्तियां होनी है, उनको सरकार दबा के बैठी हुई है। चिकित्सा विभाग में दबा के बैठी हुई है, पुलिस विभाग में दबा के बैठी हुई है। पुलिस विभाग में अभी भी 90 वैकेंसीज साइबर एक्सपर्ट्स के लिए बनी हुई है, लेकिन सरकार भर्तियां निकालने की बजाय उनको प्राइवेट कंपनीज को टेंडर दे देती है, जिससे कि ना तो बेरोजगारों को रोजगार मिल पाता और प्राइवेट कंपनीज बहुत ही जो नाकाबिलियत वाले लोग हैं उनको वहां पर भर्ती करती हैं और सरकार का काम भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मिले हैं और इस आंदोलन को बहुत जल्दी हम पूरे राज्य में फैलाएंगे। कंप्यूटर बेरोजगार संघ जिंदाबाद, कंप्यूटर बेरोजगार संघ जिंदाबाद, कंप्यूटर बेरोजगार संघ जिंदाबाद, कंप्यूटर बेरोजगार संघ जिंदाबाद। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।